आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वी लुकअप, राइट सर। और इस वी लुकअप का रिकॉर्डिंग मैंने आपको देखने के लिए दिया था, लेकिन वी लुकअप को हम स्टार्ट करेंगे एक लाइव प्रोजेक्ट से, एक प्रॉब्लम से। तो एक तो हमारे साथ संतोष जी है जो की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके प्रॉब्लम थी उसी पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वी लुकअप के साथ। तो देखिए क्या है वी लुकअप, क्या करता है कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी को एक डेटा में सर्च करके वो देता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है, इसमें माउस है। अब इस माउस का जो एजेंट है वो तो यहाँ दिया हुआ है कि प्रोडक्ट माउस, और इसको बेचने वाला एजेंट विनोद है, इसकी रेट 55 है और इसका बैक 5% है, राइट सर। अब यहाँ पे एक चीज फील करना है कि यहाँ पे एजेंट ने माउस को रेफरेंस में लेते हुए इस डेटा से इसका एजेंट नेम लुकअप कर। हालांकि ये 4-5 है तो हम इसको वी लुकअप से ना करके इफ कंडीशन से भी कर सकते हैं, बट इफ कंडीशन आपके पास जब एक क्वांटिटी जब हजारों या लाखों में जाएगा तो वहां पे इफ कंडीशन आप नहीं लगा पाएंगे। सो वी यूज द वी लुकअप। यहाँ पे इक्वल वी लुकअप किया, वी लुकअप में हमने सिलेक्ट किया माउस को, उसके बाद हमने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट को। देखिए जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि हमारा जो लुकअप वैल्यू है उसी से हम अपना सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं टेबल एरे का। यहाँ राइट एंड कॉमा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्योंकि नंबर्स काउंट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि माउस हमें क्या दिखा चाहिए, माउस अगेंस्ट एजेंट कोड, एजेंट कोड कितना नंबर कॉलम पे है, 1 एंड 2। ऐसा इसलिए क्योंकि वी लुकअप से जब डेटा मैच होगा तो एक किसी एक सेल का ही डेटा देगा, क्योंकि स्पेशल रूल कहती है कि एक सीट पे एक ही सेल का डेटा लुकअप होता है। यहाँ पे हमने कॉलम नंबर 2 दे दिया 1 एंड 2 और यहाँ पे 0 कर दिया, रिजल्ट हमारा सामने। अब 0 क्यों किए, हम इसके जगह पे फॉल्स भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉल्स जो है, फॉल्स और 0 बराबर होते हैं, ये होता है एग्जैक्ट मैच कि भाई माउस एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। और नीचे ड्रैग करना है, जब इसको ड्रैग करेंगे दिक्कत क्या होगा, यहां पे दिक्कत होगा कि ऊपर देखिए क्या था, K1 से N2 है, K1 से N5 है, जब नीचे ट्रैक किया तो K2 से N6 हो गया, हमारा रेफरेंस चेंज हो गया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे डेटा नहीं है, फिक्स हमारा है, तो इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए आप डॉलर साइन लगा ले या फिर आप इसको F4 प्रेस करो। अब मैं नीचे ड्रैग करता हूं, अब मैं रेफरेंस देखिए चेंज नहीं हुआ, तो सारे एजेंट के नेम आ गए। अब मुझे यहाँ पर रेट चाहिए कि माउस का रेट कहाँ, रेट यहाँ पे है, तो यहाँ भी मैं सेम वी लुकअप लगाऊंगा और माउस को सिलेक्ट किया और डेटा यहाँ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, अब यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, 3, 0। तो यहाँ क्या रेट यहाँ पे, और इसको भी ड्रैग करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रीज करेंगे, बट यहाँ पे रेट से मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी है, रेट यहाँ पे रेट यही होगा, यहाँ क्वांटिटी है और यहाँ पे हमारा 155 रेट आ गया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे वैट वैट को कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं वी लुकअप लगाऊ सेम माउस से और यहाँ पे मैंने दे दिया, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 दे दिया, 0, यहाँ पे बैट परसेंटेज आ गया, लेकिन मुझे एग्जैक्ट बैट चाहिए, राइट? तो बैट से पहले मुझे निकालने होंगे इसकी अमाउंट। तो यहाँ पे हमने 22 मल्टीप्लाई बाय रेट दे दिया बाय ओपन एंड क्लोज, और हमने इसका दे दिया, जिसको एक बार आप देखना चाहते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है, तो एवलेट पे चले जाइए,
एबलेट में ये आपका 22 मल्टीप्लाई बाई 55 155 हुए, रिजल्ट 3410, 3410 का यहाँ पे अमाउंट निकला 5% क्योंकि 170। अब नीचे ड्रैग करने से पहले इसको हम फ्रीज कर लेते हैं एंड हम फिर इसको नीचे डबल क्लिक करने पे ड्रैग। अब यहां बात करते हैं डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट क्या होगा, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट के लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्वांटिटी एक हो तो 0%, क्वांटिटी टू एक से पांच हो तो 0%, पांच से 10 हो तो 2%, 10 से 20 हो तो 5%, 20 से ज्यादा हो तो 8%। ये परसेंटेज कैसे आएगा, क्योंकि जब हम इसको वी लुकअप लगाते हैं यहाँ पे, इसको बेस से भी कर सकते हैं लेकिन मैं वी लुकअप करना चाहूंगा, वी लुकअप और हमने यहाँ पे क्वांटिटी और कॉमा टू कर दिया। हमने सेलेक्ट क्या किया हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट किया हुआ, तो लास्ट में हम आपको वन मतलब कि यहाँ पे जीरो या फॉल्स करते हैं कि एग्जैक्ट मैच करें। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट मैच नहीं है, यहाँ पे ट्रू या वन कर देंगे तो आएगा 8%। वो कैसा है 8%, किसने देखा कि 20 से बड़ा है इसलिए 8% दिया। ये मैं यहाँ 5 कर दू तो यहाँ 2% होगा, 4 कर दू तो 0% होगा। ग्रुप लिंकिंग करता है, जब यहाँ पे टू या वन दे देते हैं वो क्या करता है कि इस नंबर को लेता है और देखता है कि आपकी जो लुकअप वैल्यू है किसके बीच में है, एक से पांच के बीच में है तो जीरो, पांच से दस के बीच में है तो 2%, 10 से 20 के बीच में है तो 5%, 20 से ज्यादा है तो 8%। और इसी का फायदा हमने यहाँ पे उठाया। आइए साथ ही समझना आपको ये, हाँ जी सर उसी में जैसे ये क्राइटेरिया उसी टाइप का है ना क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज आया बट मुझे अमाउंट का निकालना है, क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर मैं करता हूं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट और उसका हमने 8% निकाल दिया, ये हमारा डिस्काउंट हो गया। अब अमाउंट जो होगा इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस 155 माइनस 248, ये डिस्काउंट माइनस होगा, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है सर। इस तरह से हमने इसकी कैलकुलेशन की, ओके। अब यहां पे कमीशन, जैसे यहां पे क्वांटिटी डिस्काउंट ऐसे कोई कमीशन बेस हुआ तो हम वो कमीशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, तो वी लुकअप का यूज हम इस तरह की कैलकुलेशन में भी करते हैं।